ऑल राइट सो गाइज, आज हम लोग रियलमी 8 प्रो 5G एंड रियलमी 8 प्रो 4G के बीच में कंपैरिजन के साथ साथ डिफरेंसेस जानने वाले. क्या कुछ हमें 4G और 5G के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले. 4G वेरिएंट तो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल चुका है, लेकिन 5G वेरिएंट बताया जा रहा है कि रियलमी Q3 5G जो कि चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है वो हमें इंडिया के अंदर रियलमी 8 प्रो 5G के नेम के साथ देखने को मिलेगा. अगर ऐसा बाई चांस नहीं होता है तो कोई अदर नेम के साथ तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर हमें रियलमी 8 प्रो 5G के नेम के साथ देखने को मिलेगा. सो आज हम लोग दोनों के बीच में कंपैरिजन के साथ साथ डिफरेंसेस भी जानने वाले. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना और अपने भाई की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो. सो अब चलिए लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज दोनों स्मार्टफोन जो है वो हमें बिल्कुल भी सिमिलर ही देखने को मिलने वाले हैं. बस अब थोड़े बहुत चेंजेस होंगे. रियलमी 8 प्रो 4G वेरिएंट जो कि हमें मैट फिनिश बॉडी के साथ देखने को मिला था, और रियलमी Q3 5G जो कि इंडिया के अंदर हमें रियलमी 8 प्रो 5G के नेम के साथ देखने को मिल सकता है, ये हमें ग्लॉसी बैक बॉडी के साथ देखने को मिला है. इसके अलावा कैमरे लेआउट को भी लेकर हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं. बाकी लुक एंड डिज़ाइन वाइज बिल्कुल भी सिमिलर होंगे, वही बड़े बड़े डेयर टू लिप के साथ ही देखने को मिलने वाले हैं. यहीं पर अगर फीचर को लेकर बात करें तो हाँ, फीचर को लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस दोनों स्मार्टफोनों के अंदर देखने को मिलने वाले हैं. सो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले को लेकर बात करें तो रियलमी 8 प्रो 4G वेरिएंट के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है. तो आप लोग डिस्प्ले को लेकर कोई भी डाउट मत रखना, और मैंने पर्सनली भी यूज किया है तो डिस्प्ले की जो कलर सेचुरेशन है एंड जो क्लियरिटी है वो काफ़ी परफेक्ट मेरे को लगी. और इसके साथ हमें 60 हर्ट्ज़ की नॉर्मल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है. यहीं पर अगर 5G वेरिएंट को लेकर बात करें तो 5G वेरिएंट के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस की LCD डिस्प्ले का ही सपोर्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज़ की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है. तो यहाँ पे देखो, अगर डिस्प्ले को लेकर कंपैरिजन करें तो कुछ खास डिफरेंसेस नहीं मिलने वाले. एक में एमोलेड है लेकिन आपको लोअर रिफ्रेश रेट का ही सपोर्ट दिया गया है, एक में LCD है लेकिन यहाँ पे हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है. तो यहाँ पर आपको बेटर स्मूथनेस आपको डिस्प्ले के साथ मिलने वाली है. यहीं पर अगर रियर कैमराज को लेकर डिफरेंसेस की बात करें तो 4G वेरिएंट के अंदर में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है. 108 मेगापिक्सल की मेन शूटर का सपोर्ट है एंड 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2-2 मेगापिक्सल की दो और सेंसर का सपोर्ट दिया गया है. एक है मैक्रो सेंसर एंड एक है डेप्थ सेंसर. यहीं पर अगर 5G वेरिएंट को लेकर बात करें तो 5G वेरिएंट के अंदर ट्रिपल कैमरे का ही सेटअप दिया गया है. 48 मेगापिक्सल की मेन शूटर का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो सेंसर. तो यहाँ पे देखो, कैमरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमें 4G एंड 5G वेरिएंट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं. 5G वेरिएंट के अंदर भैया एक तो सेंसर को ही रिमूव कर दिया गया, डेप्थ सेंसर, एंड जो प्राइमरी सेंसर है उस पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं. कम से कम 64 मेगापिक्सल तो देना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें 48 मेगापिक्सल की ही मेन शूटर का सपोर्ट दिया जाएगा. 5G है तो ऐसा नहीं कि भैया सभी यूज़र जो है वो सिर्फ 5G को लेकर ही एक स्मार्टफोन को प्रेफर करेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी तो बेटर होनी चाहिए. अब अगर सेल्फी को लेकर बात करें तो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल की लेफ्ट पंच होल कटआउट के साथ ही सेल्फी का सपोर्ट दिया गया है. तो यहाँ पे सेल्फी को लेकर कुछ खास डिफरेंसेस नहीं होने वाला है. बैटरी इमेज की बात करें तो 4G वेरिएंट के अंदर हमें 4500 एमएएच की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है विथ 50 वाट के चार्जिंग के साथ. 5G वेरिएंट की बात करें तो 5G वेरिएंट के अंदर हमें 5000 एमएएच की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है विथ 30 वाट के चार्जिंग के साथ. तो देखा जाए तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है. एक में बैटरी को लेकर डिक्रीज़ किया गया है तो चार्जिंग स्पीड को लेकर इंक्रीज़ किया गया है. एक में बैटरी को लेकर इंक्रीज़ किया गया है तो चार्जिंग स्पीड को लेकर डिक्रीज़ किया गया है. यहीं पे अगर दोनों स्मार्टफोनों की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो एक में 5G चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है विथ 750G के 5G प्रोसेसर के साथ, और एक में 4G चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है विथ 720G के 4G चिपसेट के साथ. तो 750G जो है वो थोड़ी सी बेटर एक्सपीरियंस हमें देने वाला है किसी भी गेम के साथ, क्योंकि इसकी जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है वह हमें 3,29,000 के अप्रोक्स देखने को मिली है, और जो 720G है उसकी हमें 2,81,000 के अप्रोक्स देखने को मिली है. और बैटरी एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों चिपसेट के साथ हमें सिमिलर बैटरी एफिशिएंसी मिलने वाली है, क्योंकि दोनों चिपसेट जो है वो 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड है. ग्राफिक की अगर बात करें तो 750G जो है वो हमें एड्रीनो 690 ग्राफिक के साथ देखने को मिला है, और 720G जो है वह हमें एड्रीनो 680 ग्राफिक के साथ देखने को मिला है. तो थोड़ी सी बेटर ग्राफिक आपको 750G के साथ मिलने वाला है. इसके अलावा दोनों चिपसेट जो है
वो LPDDR4X रैम टाइप को सपोर्ट करती है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो 720G जो है वो UFS 2.1 स्टोरेज टाइप को ही सपोर्ट करती है ओनली, और 750G जो है वो UFS 2.1, 2.2 एंड 3.0 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करती है। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको कौन सा स्टोरेज टाइप देती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमें दोनों चिपसेट के साथ मिलने वाला है। और एक 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है 750G, और एक 4G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है 720G। अब यहीं पे अगर कुछ अदर डिटेल्स की बात करें तो 5G वेरिएंट के अंदर में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट दिया जाएगा, और 4G वेरिएंट के अंदर में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा 3.5mm जैक का सपोर्ट हमें दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले हैं। डेडिकेट सिम स्लॉट भी हमें दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलेंगे। सिंगल स्पीकर का ही सपोर्ट हमें दोनों स्मार्टफोन के साथ दिए जाएंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमें दोनों स्मार्टफोनों के अंदर मिलने वाले 4G वर्सेस 5G। हालांकि 5G वेरिएंट जो है अभी तक इंडिया के अंदर नहीं आया है, और मैंने आपको फर्स्ट पे बताया कि रियलमी Q3 5G वेरिएंट को इंडिया के अंदर रियलमी 8 प्रो 5G के नेम के साथ रिलीज़ किया जाएगा। अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लीक्स वगैरह आ रहे हैं। तो शायद अगर ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आता है तो मेरे को लग रहा है कि रियलमी 8 प्रो 5G के नेम के साथ रिलीज़ किया जाएगा। अगर कोई डिफरेंट नेम के साथ भी आएगा तो भैया डिफरेंसेस तो हमें यही मिलने वाले 4G और 5G के ऊपर। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप यहाँ पे किस स्मार्टफोन को प्रेफर करोगे फीचर को देखकर, 4G और 5G, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।